वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की ये वीडियो में अपने कैमरे से शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको शूट कर रहा हूँ अपने आईफोन XS से। और मेरे को काफी सारे लोगों ने कहा कि भाई एक बारी दिखाना कैसा रिस्पांस आता है, कैसा कैमरा है। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मेरा नॉर्मल वाला कैमरा है उससे अच्छा ही होगा, और बाकी आप लोगों का जैसा रिस्पांस है मेरे को बता देना। भाई आज की वीडियो अपनी i20 के बारे में है, क्योंकि i20 अब जो अपना ठंड का टाइम है ना उस टाइम पे आ चुकी है, तो इसमें थोड़े अपग्रेडेशन कराने बनते हैं। और मैं पर्सनली चाहता था कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी कि मैंने पूरा अपना जो है हेलोजन लाइट वाला सेटअप कर दिया है, और मैं बहुत खुश हूं उससे। लेकिन जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा परेशान था वो थे मेरे DRL, क्योंकि DRL में आ चुका है पीलापन, और इसको लगाए हुए हैं 5 महीने। तो भाई इसको मुसाफिर की साइड से मिलता है क्रॉस, 5 महीने में जो बोल गया उसका इतना कुछ फायदा है नहीं, बाकी आप लोगों के ऊपर चॉइस है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो है छोटी सिंपल, और i20 लवर्स यू विल श्योरली बी लविंग इट। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो गाइस एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो मेरे अभी DRLs लगे हुए देख रहे हो, इनमें पीलापन आ चुका है और इसमें लिटरली रस्टिंग आ चुकी है, जिसको मैं साफ कर सकता हूँ, निकल पाउडर से साफ करना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा मन नहीं है इनको ठीक कराने का, और मैं इनमें नए ही लगवाना चाहता हूँ। इस तरफ में तो देखो ये पूरा निकल चुका है, तो भाई ये चलने वाली चीज है नहीं। और इस तरफ वाले में मजा सही है, ये निकला नहीं है, लेकिन स्टिल रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही। लाइटिंग ओके है, कोई दिक्कत लाइटिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल भाई जब अपने पास नई चीज है तो क्यों ना उसको आपको दिखाऊं। अनबॉक्स करता हूं, दिखाता हूं कैसा दिखने में। तो यहां पर एक बार DRL खोल के दिखा दो भैया कैसे दिखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी अपना करंट वाला मॉडल देखा होगा तो करंट वाले मॉडल में ऊपर DRL आपको बने हुए दिखते हैं, जो कि काफी ब्राइट होते हैं। तो भाई ये भी सेम ही चीज है, और ये मार्केट में बहुत पहले से आ रखा है, लेकिन अब मेरे को इसकी जरूरत लग रही है, क्योंकि बोले में रस्टिंग की दिक्कत आ रही है और मेरे को बार बार साफ करने का टाइम नहीं है। तो भाई एक बार ही कर देते इसका श्री गणेश, तो एक बार देख लो कैसा दिखने में लग रहा है। और बाकी इसकी फिटिंग जब करूंगा तब आपको दिखा दूंगा। ये नीचे अपने नॉर्मल जो DRL जलते हैं वो चलेंगे, दोनों ऑप्शन है, कम और ज्यादा का, कम और ज्यादा का दोनों का ऑप्शन है। तो मतलब जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वो कम हो जाएंगे, एक ही कनेक्शन हो पाएगा, या तो कम रोशनी वाला या तो तेज रोशनी। तो मैं तो भाई तेज रोशनी वाला रखवाऊंगा, तो जब ये चल रहे होंगे मैं इसमें तेज लाइट रखूंगा। और मेरे को काफी जबरदस्त लगा, और क्योंकि ये पूरा देखो स्नैप फिट, जैसे ये उतरेगा और ये लग जाएगा। तो बाकी इसका रिस्पॉन्स बताऊंगा, क्योंकि भाई इसमें देख रहे हो ये जो पीलेपन की प्रॉब्लम आई है ना, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ऑल दो इसमें रगड़ रगड़ के साफ हो जाता है, लेकिन देख रहे हो देखो कॉर्नर्स काफी ढीले हो गए, उस तरफ के तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। देखो ये दिख रहा है, इस तरफ के तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, और मेरे को मजा नहीं आया पर्सनली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हटा दिया जाए भाई इसको। इसको लगाते हैं, इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, 10 या 15 मिनट लगेंगे, और आप लोग इंजॉय करो, क्योंकि भाई i20 के लवर्स जितने भी है उनको तो ये चीज पसंद आने वाली है। तो गाइस देख लो एक बार आप लोगों की, यहाँ पर ओपन हो चुका है पूरा बम्पर, और जितने भी नट वाली चीज थी वो सारी उतर गई है। इसके बाद इसको नीचे उतारेंगे, और आप लोग देख पा रहे होंगे ना उधर से, हाँ ये आपकी पूरी वायरिंग वाला सीन है। सो इसको निकालेंगे और उसके बाद इसको फिट करेंगे, बाकी देखते हैं लगने के बाद कैसा लगता है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि लगने के बाद इसका लुक कैसा आता है। और भाई यहाँ पर अभी खोल रहे हैं, तो भैया एक चीज बताओ इसमें कितने नट होते हैं जिसके बाद ये फॉग लाइट जो है निकल जाती है। 5 नट होते हैं। तो भाई एक नंबर का काम होता है, देख लो बिल्कुल इजी वाला काम है, 15 मिनट लगते हैं अगर सही बंदे से काम करवा रहे हो, सही टाइम पे करवा रहे हो, और अपना काम तो रात को होता है वैसे भी। तो देख लो एक बार खोल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, फिर आपको गाइस हमने जो उतारी है वो दिखने में कुछ ऐसी है, और जो हम लगा रहे हैं वो ऐसी है। तो भाई केवल फर्क जो है वो DRL का है, बाकी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। क्वालिटी कैसी रहती है भैया, जो पुरानी होगी और जो हम लोग आफ्टर मार्केट वाली लगा रहे हैं? सेम है, हुंडई की होती है, हुंडई वाली रहती है बिल्कुल। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई हुंडई वाली है, लेकिन बिल्कुल क्वालिटी वही हुंडई वाली मिलेगी। तो इसको फिट कराते हैं, और बाकी इसके पीछे देखो, ठीक है, और इसके पीछे देख लो, देखो भाई ओके रिपोर्ट, सब कुछ चीजें बिल्कुल सेम है। तो फिटिंग कराते हो, तो भाई देखो थोड़ा सा दिल में दुख जरूर होगा, लेकिन ये वाली DRL हटानी, भैया दिखाना कैसे हटेगी। देखो ऐसे रिमूव हो जाती है आराम से, प्यार से, जिससे मैं किसी को अगर चाहूं, किसी की गाड़ी में भाई लगा हुआ था और उसका कुछ खराब वराब हो गया तो मेरे से ले लेना। तो आराम से बिल्कुल प्यार से खोलना है इसको, देखो भाई, और इधर जो दो नट मारे हुए थे तो अब वो परफेक्टली आपको दिख रहे होंगे, तो इसको भाई खोल लेंगे और ये DRL हम संभाल के रखेंगे। सो भाई नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अपने आ चुके हैं। भाई क्या चीज है एक बार समझा दो, वायरिंग है DRL की, ये DRL की वायरिंग है। तो एक चीज बताओ, जो वायरिंग होती है वो सीधे कपलर टू कपलर नहीं जुड़ती है? ये लो ना, देखो ये दो कपलर है आपका, ठीक है, इसमें जुड़ा, इस तरह वाला जुड़ा, ये फीमेल इसमें लग गया, फीमेल वाला इसमें लग गया, और ये जो मेल है ये डब्बे में आग लग जाएगा आपको। अच्छा आगे वाली जो डिब्बी होती है, ये डिब्बी है, देख लो ये रिले भी लगता है। तो रिले का फायदा क्या होता है भैया? यही तो होता है, कम और ज्यादा करने की रोकने जो होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ज्यादा में छोड़ेंगे,
तो देख लो, और इसका पूरा इसके ऊपर भैया वो लगा देना पन्नी। हाँ पन्नी लगा के, और इसको सीधे हम इधर से देंगे, बस एक कर देने और एक वो इग्निशन में देने। तो भाई देख लो, हम लोग इग्निशन के साथ करा रहे हैं, आप लोगों के पास चॉइस है, बाकी दिखने में कैसा लगता है देख लो यार एक बारी जी। और ये चाइनीज ही प्रोडक्ट है, कोई इंडियन नहीं है, चाइनीज ही प्रोडक्ट आता है। तो भाई अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ है, जहाँ पर भैया क्या बता रहे थे आपकी, एक कम और ज्यादा की इसमें होती है वो। तो एक बारी कम दिखा दो पहले, ज्यादा ये ज्यादा वाला है ठीक है, और इसका रिस्पांस देख लो कितना है। और कम वाला दिखाओ, कम वाला इतना है, ज्यादा वाला दिखाओ, हो गया छोटू। तो भाई ज्यादा वाला ही करने वाले हम लोग, क्योंकि ये बढ़िया लग रहा है काफी, देख रहे हो एक नंबर का लग रहा है। और इसका लुक कैसा आता है नीचे वो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा, बाकी लगने के बाद काफी बढ़िया लग रहे हैं। और एक बार भैया इसकी फिटिंग कर दे, भैया इसमें कोई भी वायर कटी है? कोई वायर नहीं कटेंगे भैया, ये देखो ना, ये फ्यूज बॉक्स में आ गया, फ्यूज बॉक्स के अंदर लगता है जो, ठीक है। इसको ऐसे फिट करेंगे और इसको लगा देंगे इसके अंदर, देखो, और ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो गया गाइस, देखो इसके बाद। सो गाइस नाइट मोड लुक दिखा देता हूँ, देख लो रेंज कितनी है। अभी केवल DRLs ऑन है और ऊपर से ये लाइटिंग आ रही है, लेकिन स्टिल एक बार रेंज चेक कर लो और आगे से लेके दिखाता हूँ कैसे दिखता है। सो दिस इज हाउ द कार लुक्स लाइक, और काफ़ी मेरे को प्रीमियम ये लुक लगा, स्ट्रेट बिल्कुल जो है ना ये वाला लुक है। और अगर आप लोगों ने नई वाली देखी होगी ना तो उसमें छोटा सा आता है, लेकिन इसका लुक काफ़ी ज़्यादा बल्की है और दिखने में काफ़ी बढ़िया है। वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, आप लोगों ने DRLs देख लिया है। एक चीज़ बताता हूँ, फॉग लाइट के अंदर वाले जो DRLs है ये क्यों ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि भाई एक तो बारिश के टाइम पे आपको टेंशन फ्री रहना है, ऑल दो अगर पुराने वालों का फीडबैक मांगते हो तो भाई बारिश के टाइम पे ओके रिपोर्ट काम किया है, लेकिन रस्टिंग वाली प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से भाई हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं करवाया। मतलब इसके ऊपर मैं चाहता तो क्रोम वाली चीज लगा सकता था, मैंने नहीं लगवाई। रिस्पॉन्स यूसेज होगा बता दूंगा, रेट का जो कंपेरिजन है, अगेन इसमें एक चीज बताता हूँ, ये मार्केट में 4500 रुपए तक का बिक रहा है, लेकिन इसका जो रियल है वो 3700 रुपए है और ये 4200 तक जाता है। तो जिस प्राइसिंग में मेरे को कोट किया है वो सबसे लीस्ट वाला रहता है। अगर आप लोग जब परचेज करने जा रहे हो तब प्राइसिंग ज्यादा बड़ा हो तो आई रियली डोंट नो, लेकिन आप लोग जब इस वीडियो को अगर सेम डे देख रहे हो जिस दिन अपलोड हुआ था, उस दिन अगले तक ये सेम ही प्राइस रहता है। बाकी गाइस अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव बढ़िया और लगा हो कि हाँ भाई i20 को भाई भूला नहीं है, अभी भी उससे प्यार करता है, तो वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट करे मत जाना। सब्सक्राइब करने का मन हो तो मन को बोलो कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंटेंट जो है हम लोग एक नंबर का लेके आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे गाड़ियां तैयार करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा और लोगों से मिलवाऊंगा जो लोग गाड़ी की रीमैपिंग करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और ऐसे ही बहुत बढ़िया वीडियोस आती रहेगी। मुसाफिर के लाइफ में वो क्या करता है, मुसाफिर को इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो, लिखो MUSAFIR7011 यानी कि मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। एक कमेंट आया था इसमें, कह रहा था कि भाई आप रैपरों की तरह ऐसे हाथ घुमाते हो, तो भाई ये फ्लो के साथ निकल जाता है, आप लोग समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड